अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरहा एंड वेलकम टू माय चैनल फूड ट्यूब विद फरहा। दोस्तों, आजकल बहुत ही गर्मी है और ऐसी गर्मी में कुछ ठंडा खाने का तो सभी का मन करता है, खास करके आइसक्रीम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूं आइसक्रीम का देसी वर्जन यानी कि मैंगो कुल्फी की रेसिपी। मैंगो कुल्फी बहुत ही फेमस इंडियन डेजर्ट है और हर किसी का फेवरेट भी है, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। से पहले दूध बॉईल करेंगे, एक लीटर दूध है ये। देखिए दूध में बॉईल आ चुका है, गैस का फ्लेम स्लो कर दें और इसे तब तक बॉईल करें जब तक दूध आधा ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाते भी रहेंगे और इस तरह से चलाते हुए ही हम इसे बॉईल करेंगे जब तक ये आधा ना हो जाए। देखिए दूध बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। 200 ml कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दें, किसी भी कंपनी का कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं आप, और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पर शुगर ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड करें इसमें और ये देखते हुए ऐड करें कि आपका आम कितना मीठा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसे अब हम एक मिनट के लिए चलाते हुए बॉइल कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम, अमूल क्रीम यूज़ की है मैंने। साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर जिसे मैंने थोड़े से पानी में डिसॉल्व कर लिया है, और अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 2 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए ही हमें इसे कुक करना है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लें। 2 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब, और ठंडा होने पर देखिए ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम इसमें 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंगोज थे जिसे मैंने छीलने के बाद बारीक काट लिया था, और उसके बाद मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट कर लिया है। इसे ऐड कर दें इसमें और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। ये देखिए लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। मैंगो प्यूरी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है मिक्सचर में, मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। कुल्फी जमाने के लिए ये मैंने मोल्ड लिया है, ये मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कोई पेपर कप ले सकते हैं, या इस तरह का आइसक्रीम का कोई खाली कप हो, या फिर आपके घर में इस तरह के कोई छोटे ग्लासेस हो। अब इस मोल्ड में जो मिक्सचर रेडी किया था हमने वो डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से टैप कर लें और ये जो स्टिक्स थे इसके साथ आई थी वो हम इसमें लगा देंगे। ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अलावा इन सारी चीज़ों में भी मैंने ये मिक्सर डाल दिया है। इस तरह के कूलर हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं, छोटे ग्लासेस भी मैंने दिए हैं इसमें भी मैंने डाल दिया है, और ये आइसक्रीम के खाली कप मेरे पास थे मैंने इसमें भी आइसक्रीम मिक्सर डाल दिया है। अब इन्हें हल्का सा टैप कर दें। अब एल्युमिनियम फॉइल से हम इसे कवर कर देंगे इस तरह से। बाकी सारी ग्लासेस को भी हम ऐसे ही कवर कर देंगे फॉइल से। अब एक नाइफ की हेल्प से हम हल्का सा कट लगा देंगे बीच में, एकदम सेंटर में कट लगाएं। इसी तरह सारे ग्लासेस में हम कट लगा लेंगे। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो आप लोग। ध्यान से इसमें लगा देंगे। इसी तरह सारे ग्लासेस में हम आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो अब ये सारे के सारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया है, बाकी के सारे मोल्ड भी हमने अब फ्रीज़र में रख दिए हैं।
और हम इसे 8 से 10 घंटे तक फ्रीज़र में ही रहने देंगे और उसके बाद इसे आपको सर्व करके दिखाएंगे। 10 घंटे हो चुके हैं, अब हम कुल्फ़ी बाहर निकालते हैं। एक बड़े से बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इसमें मैं ये मोल्ड रख दूंगी 10 सेकंड्स के लिए। ये देखिए कितनी आसानी से कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। देखिए आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं हम। तो एंजॉय करें ये डिलीशियस मैंगो कुल्फी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।